हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। अगर पीछे आपको कुछ दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा फोकस किया जाए तो ये कपड़े सूखते हुए दिख रहे होंगे, तो अंदाज़ा लग गया होगा। आज हम लोग आए हैं फिर से लॉन्ड्री करने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आपको भी एक अपडेट दिया जाए, इसका एक टूर दिया जाए कि किस तरीके से यहाँ पे पब्लिक लॉन्ड्रीज होती हैं। ये भी ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है। जनरली हम लोगों को क्या लगता है कि हाय पता नहीं कैसे होगा, बट बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि पिछले हफ्ते तक मुझे भी ऐसी था कि पता नहीं कैसे होगा, बट लिटरली बहुत इजी है। जो चीज मुश्किल है वो इसको ढूंढना। हाँ। आपको थोड़ा सा रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा कि आपके आसपास कहाँ पे पब्लिक लॉन्ड्री अवेलेबल है जो कि ऑटोमेटिक है, जहाँ पे इजीली हो सके। तो गूगल पे आप ढूंढ सकते हो, हमने भी गूगल पे ढूंढा। ये जहाँ पे हम आए हैं इसका नाम है टॉप वॉश। तो ये हमारे घर से अराउंड सवा किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ी सी दूर है बट उतनी भी नहीं। सबसे अच्छी बात है कि आज जो है मौसम मेहरबान है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सनी ब्राइट डे है। समर्स वैसे आ रहे हैं बेल्जियम में, बट मौसम बदलते यहाँ पे टाइम नहीं लगता, तो आज थैंक्स की अच्छा है। वीकेंड्स है ना, वो हमारे कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, तो सोचा कि आप लोगों को भी साथ लेके चले और थोड़ा अच्छे से प्रोसीजर समझा दिया जाए। क्योंकि यार ठीक है, शुरू में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको चीजें समझ में नहीं आती, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बार बार आपको ट्रांसलेट करने में भी ना बहुत दिक्कत आती है। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए विक्रांत और मैं पूरा प्रोसीजर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे होता है। चेंज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें बहुत स्मूथली हो जाती होती हैं, और मेरे ख्याल से शायद ये हमारा आखिरी चक्कर है यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक हम लोग प्लान कर रहे हैं अपनी खुद की वॉशिंग मशीन लेने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा रिसर्च करने के लिए, और वैसे यहाँ पे ना ये सब चीजें करना बहुत ही आम है, यहाँ के लोकल्स भी बहुत आराम से करते हैं। मतलब हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए अरे यार वॉशिंग मशीन नहीं है, बाहर कपड़े धोने आते हो, तो ये बहुत ही मतलब वो क्या कहते हैं लाइफस्टाइल है, ये बहुत नॉर्मल है, नॉर्म है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज में, कई लोग होते हैं कि ये सोच लेते हैं कि अरे यार बाहर कहाँ धोएंगे, या ऐसा अच्छा नहीं लगता, बट खरीद पाए ऐसे भी लोगों की सोच होती है। हाँ, शायद कोई सोचे कि अभी तक वॉशिंग मशीन, हम एक्चुअली ढूंढ रहे हैं जो हमारे लिए बेस्ट रहे, तो थोड़ा टाइम लगता है उन चीज़ों में, तो इतना कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, तो बहुत इजी चीज़ें हैं यार। सीरियसली मतलब मैं जितना इजी बोल रही हूँ ना, उससे भी ज़्यादा इजी है। थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, थोड़े सड़क पे खड़े हैं तो गाड़ियाँ आ जा रही हैं और थोड़ी हवा भी चल रही है, बट आई होप आपको पूरी तरह से समझ आया हमने क्या बोल रहे हैं, और अभी लेके चलते हैं पूरा प्रोसीजर। मतलब यार पता है क्या होता है, नए देश में आते ना तो लगता है चीज़ों से हम लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, तो वो घबराना नहीं है, चीज़ें बहुत ईजी हैं यहाँ पे, बहुत लाइफ स्टाइल यहाँ का ना बहुत ईजी है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, चलो आ जाओ। तो गाइज ये है जहाँ से हम टोकन लेंगे सबसे पहले, तो टोकन लेने के लिए यहाँ पे हम सिक्के डाल सकते हैं, और 8 यूरो के 2 टोकन है, मतलब 4 यूरो का 1 टोकन है, और आपको टोकन चाहिए तो ये दबाना पड़ता है, और अगर आपके पास चेंज नहीं है यहाँ पे डालने के लिए तो आप अपने 5 यूरो 10 यूरो 20 यूरो का नोट डालो यहाँ पे, और चेंज 1 यूरो या 2 यूरो की चेंज निकाल सकते हो। पैसा ही पैसा होगा। 20 सेंट की भी, तो मेरे पास अभी जैसे हैं चेंज है तो मैं वही यूज़ करूँगा। €8 क्रेडिट हो गया, अब मैं इसको दबाऊंगा, कभी दबा दो तो 1 टोकन आ जाएगा, अभी एक बार दोबारा दबा दो कभी तो 2 टोकन आ जाएगा, तो 8 यूरो के 2 टोकन हैं, मतलब 4 यूरो का 1, तो इस तरह से टोकन आ जाता है। और ये वाले टोकन अब यूज़ होंगे वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। जो ड्रायर है उसके लिए अलग से होता है, उसमें टोकन नहीं चाहिए होता, उसमें डायरेक्ट कॉइन डालना पड़ता है। हाँ गाइज, हमने ना यहाँ पे जो है 2 सिलेक्ट करी हैं, 6.5 और 6.5 की, वैसे आपको 13 की भी मिल जाती है आगे, बट हमने ये इसलिए सिलेक्ट करी हैं क्योंकि हमें जो कलरफुल वाले कपड़े थे अलग और वाइट वाला कपड़ा अलग, तो मतलब बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे ये चूज़ किया था। और अब यहाँ पे हम ये यहाँ पे ये वाला डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं ड्रेफ्ट का, ईजिली मिल जाता है आपको हर जगह पे, तो इसमें डाला ना इन दोनों, हाँ इन दोनों में डाल। गाइज इसमें ना कॉइन सबसे एंड में डालिएगा, सबसे पहले आपको प्रोग्राम सेट करना है, हम बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, हम 1 ही सेट करते हैं हमेशा,
जो कि हमें सही लगा था। तो हाँ, आप इसको बार बार दबाओगे तो आपका जैसे 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन 1, तो 1 आ गया है। और ये कॉइन जो दिखा रहा है इधर, कॉइन इधर अभी कॉइन डालेंगे, ये कह रहा है कि एक कॉइन चाहिए, तो 6.5 के लिए 1 कॉइन चाहिए, 13.2 के लिए 2 कॉइन चाहिए। यहाँ पे कॉइन का साइन बना है, राइट, ये एक कॉइन चाहिए यहाँ पे। तो ये देखिए चला गया और ये अब चालू हो गया। तो 47 मिनट्स लगेंगे इस पूरे प्रोसेस को। अब ये 6.5 केजी की हैं, फिर हमारे पास 13.2 केजी की भी है और मैक्सिमम यहाँ पे 17 केजी की एक मिलती है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। कबीर को ना सारी मशीनें खोल खोल के देखना है, तो वहाँ पे हम लोगों का लगा हुआ है सेटअप सारा। तो मैं थोड़ा सा और आपको आगे दिखाती हूँ, ये सारी मशीनें ही लगी हुई हैं यहाँ पे। तो ये ना यहाँ पे इस तरीके के प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर आप जनरली देखोगे तो लोग यहाँ पे ना अपने कपड़े धो के निकाल के, ये ड्रायर है यहाँ पे, धो के निकाल के यहाँ पे अच्छे से तय करके घर लेके जाते होते हैं। कुछ आपको लोग यहाँ पे दिखाई भी दे रहे होंगे जो अपने कपड़े तय कर रहे हैं अच्छे से। और प्रेस वगैरह, ये प्रेसिंग मशीन है वहाँ पे, वो प्रेस कर रही है। मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जाऊँगी, डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। इस तरीके से यहाँ पे आप, ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इन प्लेटफॉर्म पे ना आप इजीली अपने कपड़े निकाल के अच्छे से फोल्ड करके घर जाके ना अपना काम यहीं ख़त्म करके घर जाके अपना अच्छे से अपनी वार्डरोब में सेट कर सकते हो, जो एक्चुअली में, क्योंकि ये फोल्ड करने वाला काम बहुत बड़ा है यार, सीरियसली मस्त प्लान है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अच्छा ना सिटिंग अरेंजमेंट भी किया हुआ है, उधर विक्रांत बैठे हुए हैं, इधर सिटिंग अरेंजमेंट है कि आप इजीली अपना बैठो, थोड़ा वेट करो, इट्स गुड। मतलब बहुत ही फ्रेंडली है, इसलिए मैं बार बार इजी इजी बोल रही थी, क्योंकि शुरू में हमें भी बहुत लगता था कि यार पता नहीं कितना मुश्किल होंगी चीज़ें, बट ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से आपको करना चाहिए। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ, ये रहा और लिटिल, हाँ, तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसके प्रोग्राम्स वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है कि मे वी आस्क यू टू बी देयर एट द एंड ऑफ, खत्म होने वाला हो तो प्लीज़ आप उसके पास पहुँच जाएँ, तो आप अपने कपड़े खुद निकाल लें। मशीन में कितना यूरो लगता है वहाँ पे बताया हुआ है कि 6.5 में 4 यूरो। अब यूज़र फ्रेंडली है बेसिकली, तो यहाँ पे हमारा स्लॉट चल रहा है दोनों का। हाँ, यहाँ पे अच्छा बैठने के लिए दिया हुआ है, आराम से बैठो करो। इट्स मी, वो एक्वेरियम भी है, अगर बच्चे साथ में हैं तो थोड़ा सा उनका दिल बहल जाए। वैसे दिल बहलाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा जूम है, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। वो मशीन भी दी हुई है जहाँ पे चिप्स और ये सारी चीज़ें भी हैं, कलर के लिए कौन सा है आपका, वाइट के लिए, कोरल, ये सारे वॉशिंग पाउडर्स हैं, तो ये हेल्प हो जाती है इन सब चीज़ों से। हाँ, ये कॉफ़ी मशीन है, अच्छा वीकेंड स्पेंड करने का अच्छा पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। पापा की मशीन विन हो गई, कबीर की मशीन में अभी टाइम लगेगा। तो ये हैं ड्रायर, हाँ ये हैं सब ड्रायर्स। तो ठीक है, यहाँ पे अब विक्रांत डाल रहे हैं सारे कपड़े। हमने 2 ड्रायर ले लिए हैं कि थोड़े से जो तौलिए वगैरह हैं वो दूसरे में डाल देंगे और जो छोटे मोटे कपड़े हैं वो एक में डाल देंगे। तो ड्रायर, अब लोग सोचेंगे कि यार ड्रायर ड्रायर पूजा क्या बोल रही है, ये लोग बोल क्या रहे हैं। तो बेसिक, क्या वो वॉशिंग मशीन पूरे ड्राई नहीं करती कपड़े? तो क्या होता है, ये जो वॉशिंग मशीन होती हैं ये हमारी वाली वॉशिंग मशीन की तरह ही हैं, जितना कपड़ा उसमें वो थोड़ा गीला वाला टाइप्स होता है ना वो सब निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो पूरे कपड़े हैं ना वो चकाचक गर्मा गर्म सूख कर निकलते हैं, तो ये वो ड्रायर्स होते हैं। तो मतलब इससे हेल्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ के मौसम का कभी नहीं पता ना, कभी बिगड़ जा रहा, आप ऐसे लेके जाओ घर फिर सुखाओ, तो इसलिए लोग यहाँ पे ऐसे ये ड्रायर यूज़ करते हैं, इनको ड्रायर ही बोलते हैं। तो बिल्कुल गर्मा गर्म कपड़े होके निकलते हैं, बड़े मज़ेदार। वो अंकल बड़े अच्छे से तय करके रख रहे हैं कपड़े। ड्रायर में डायरेक्टली आपके कॉइन्स डलते हैं, 1 यूरो या फिर 20 सेंट्स के। 1 यूरो में ऑलमोस्ट 10 मिनट मिल जाते हैं और 20 सेंट्स में 2 मिनट के आसपास। तो अगर आपको कम करना है तो इसमें 20 सेंट डालो, 2 मिनट के लिए वो ड्राई कर देगा। अदरवाइज जैसे अभी गीले हैं बिल्कुल, अभी अभी धुल के आए हैं, तो 1 यूरो डालेंगे 10 मिनट होगा, 2 यूरो डाल देंगे तो 20 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, पहले फील आ रहा था, अब कह रहा है वो पुश, तो हम हाई टेम्परेचर पुश। अब ये 10-10 मिनट दोनों चलेंगे, उसके बाद अगर हमें चाहिए होगा कि थोड़े से देख लेंगे, अगर पूरी तरह से नहीं सूखे होंगे तो हम 20-20 सेंट के डाल के 2-2 मिनट भी और ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर 1 यूरो डाल के 10 मिनट और कर सकते हैं।
बेसिकली ये। तो यहाँ पे कबीर इतना एक्साइटेड है कि वो ला ला के बॉक्सेस रख रहा है कि अपना टाइमर जल्दी से होने वाला है, फिर हम इस पर भर लेंगे कपड़े। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है इसको इन सब चीज़ों का ना, उसको अभी से सारी चीज़ें सीखनी है, इवन मुझसे ज़्यादा इसको चीज़ें पता चल गई हैं। वो देखो, ये देखो वो साइड जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देगा, और यहाँ पे लाके उसने दोनों ड्रायर के नीचे लाके लगा दिए हैं कि इसमें हम लोग आके कपड़े डालेंगे। जैसे आपने देखा कि अब लॉन्ड्री का सारा काम हो चुका है पूरा, अब जा रहे हैं घर की तरफ। ठीक है, तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने लव वंस के साथ, ताकि आगे आगे और हेल्प होती रहे किसी ना किसी। हेल्प हो जाएगी किसी। हाँ, इसीलिए प्लीज शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।